तो बहुत लिमिटेड रूप से करती थी, लेकिन अब 100 से ज़्यादा बच्चों को छात्रवृत्ति देते हैं और करीब 2 से 3 लाख रुपया हर वर्ष जो है। आगरा गेट के पृथ्वीराज मार्ग स्थित श्री महावीर स्मारक सेवा समिति अजमेर के द्वारा आज छात्रवृत्ति वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर 100 से ज्यादा बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई, वहीं बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई। से एस्टैब्लिश हुई और तब से जो है ना विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने का प्रोग्राम चलाया है, और पहले तो बहुत लिमिटेड रूप से करती थी, लेकिन अब 100 से ज़्यादा बच्चों को छात्रवृत्ति देते हैं और करीब 2 से 3 लाख रुपया हर वर्ष जो है खर्च करते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह कि हालांकि समिति में सारा धन जो है जैन समाज ने दिया है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, वर्ण के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। जो भी मेधावी छात्र हैं सबको दिया जाता है और उनकी बाकायदा एप्लीकेशन मंगा करके उनके प्रयास करीब 3,000 एवरेज है। कई लोग जो CA वगैरह मेडिकल करते हैं उनको 11,000 तक देते हैं, जो कम है उनको 2,000 तक देते हैं, पर एवरेज में करीब 3,000 हो जाए परसेंट। महावीर स्मारक समिति 1975 से कार्यरत है। जब से RS कुमार साहब अजमेर में कलेक्टर रहे, उन्होंने संस्था के लिए ये जगह समाज के उपयोग के लिए चिन्हित की। उस समय से लेकर आज तक समिति ने सैकड़ों जीवदया के काम, परोपकार के काम, एजुकेशन के काम, मेडिकल के काम काफ़ी कुछ किया है। अभी हमने पिछले काफ़ी सालों पहले यहाँ रेलवे स्टेशन पे सारी स्टील बेंचें वगैरह लगवाई, काफ़ी पेड़ पौधे यहाँ पूरे जयपुर शहर में लगवाए, पानी की प्याऊ लगवाई, जगह जगह पानी की प्याऊ लगवाई। ये सारा काम RS कुमार साहब अभी संस्था के संरक्षक हैं और इनकी देखरेख में पूरी व्यवस्था चल रही है। ये रिटायरमेंट के टाइम यहाँ अजमेर राजस्व मंडल के अध्यक्ष भी रहे हैं और आपके सानिध्य में ये समिति काफ़ी सेवा का काम कर रही है। अभी समिति में 3 हॉस्पिटल बराबर चल रहे हैं, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, ये अपने एलोपैथिक हॉस्पिटल है और ये होम्योपैथिक हॉस्पिटल है। तीनों संस्थाओं में सैकड़ों लोग काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं। आज के लिए समिति ने जो ये प्रोग्राम रखा है, हमारे चीफ गेस्ट RS कुमार साहब जो आज पधारे हैं, उनकी अध्यक्षता में हम 100 से ज़्यादा बच्चों को ये नीडी स्टूडेंट हैं उनको छात्रवृत्ति दे रहे हैं और काफ़ी बच्चे हमारे ऊपर प्रोग्राम के अंदर आए हैं। सारा प्रोग्राम समिति के कार्यालय में ही है और काफ़ी बच्चे ऊपर चेक के लिए हम लोगों ने इनवाइट किया है और पूरी पारदर्शिता के हिसाब से NS कोठारी साहब जो इसके कन्वीनर हैं उनकी देखरेख में सारी व्यवस्थाएँ हमारे चल रही। मंदिर या शादी ब्याह, किसी भी प्रकार के हवन पूजन की सामग्री के लिए चले आइए दिव्य ट्रेडर्स। हमारे यहाँ हवन पूजन और कर्म कांड से जुड़ी सभी प्रकार की सामग्री वाजिब दामों पर मिलती है, साथ ही घर और किचन की साफ सफाई के लिए क्लीनिंग आइटम भी उपलब्ध। तो आज ही संपर्क करें फ्री होम डिलीवरी के साथ दिव्य ट्रेडर्स, सेंट जॉन्स स्कूल के सामने वाली गली ब्लू कैसल अजमेर, 8769033139। अगर नया वाहन खरीदना है तो चले आइए बत्रा बैटरी शोरूम, जहां आपको मिलेंगे नए मॉडल के इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर, साथ ही होप बैटरी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर अलग अलग कलर के साथ मेटालिक रंगों में उपलब्ध, साथ ही वाहनों के लिए सर्विस सेंटर भी उपलब्ध। तो देर ना करें, आज ही संपर्क करें बत्रा बैटरी, भगवानगंज चौराहा अजमेर, 9571204206।